ओडिशा हादसे के 51 घंटे बाद ट्रैक शुरू। जब ट्रैक से गुजरी पहली ट्रेन तो रेल मंत्री ने क्यों जोड़ लिए हाथ। रेलवे ट्रैक और उसके ऊपर से गुजरती ट्रेन, ये तस्वीर है ओडिशा के बालासोर की। तस्वीर बयां कर रही है कि हालात बेहतर हो रहे हैं। हादसे वाले ट्रैक की मरम्मत का काम पूरा हो चुका है। हादसे के करीब 51 घंटे बाद इस ट्रैक से पहली ट्रेन को रवाना किया गया। ट्रेन को रवाना करते समय रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव हाथ जोड़े नजर आए। ट्रेन को रवाना करने के बाद रेल मंत्री मीडिया से बात करते हुए भावुक भी हुए। उन्होंने कहा कि हमारी जिम्मेदारी अभी खत्म नहीं हुई है, हमारा लक्ष्य लापता लोगों को खोजना है। जिस तत्परता के साथ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने काम करने के आदेश दिए थे, पूरी टीम ने उसी तत्परता के साथ काम करके एक प्रॉपर सिस्टम से दोनों की दोनों पटरियों को रिस्टोर कर दिया है और दुर्घटना के इस भयानक दुर्घटना के 51 घंटे के अंदर अंदर वापस ट्रेन का मूवमेंट नॉर्मलाइज हो गया है। अभी गाड़ी, पहली गाड़ी अभी आने वाली है। हाँ, दोनों लाइन्स तैयार हो गई है, टेस्ट हो गई है और इनके ऊपर गाड़ी चलना अभी से चालू होगा। तो जो गाड़ी कैंसिल कर दी गई थी सब वो कॉमर्शियल डिपार्टमेंट उन सबके बारे में ऑपरेशन की पूरी प्लानिंग करके उस हिसाब से टाइम टेबल और सब पैसेंजर्स को इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। बहुत अच्छा काम किया सबने, पूरी टीम ने सबको। मन में बहुत दुख है, कल परिवारों के हो गए, लेकिन रूट कॉज तक जिसने भी किया है उसको सख्त से सख्त सजा। आप सबको पूरी बधाई, जिस तरह से देश का आपने आपको बता दें कि रेल मंत्री हादसे के बाद से ही बालासोर के बहानगा बाजार स्टेशन पर राहत बचाव और ट्रैक रिपेयरिंग की निगरानी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी भी शनिवार को बालासोर का दौरा करने के बाद रेल मंत्री से लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़े अपडेट ले रहे थे। वहीं बात अगर इस रेल हादसे की करें तो हादसे में मरने वालों की संख्या 275 तक पहुंच चुकी है, जिसकी पुष्टि ओडिशा के प्रधान सचिव ने की। हालांकि मौतों के जो आधिकारिक आंकड़े बताए गए थे वो 288 थे, लेकिन अब उन्होंने सफाई देते हुए नया आंकड़ा जारी किया है। वहीं इस रेल हादसे में घायल हुए लोगों को ओडिशा के कई अस्पतालों में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। ओडिशा के प्रधान सचिव ने ये जानकारी दी है कि 1175 घायलों में 793 का सफल इलाज कर उन्हें घर भेज दिया गया है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ताजा अपडेट के लिए बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।